आंखें बंद, जीव को केंद्र बिंदु बनाइए, पूरा ध्यान आपका आप पर बना रहे। स्वयं को छोड़ना नहीं, पर से जुड़ना नहीं। ये संकल्प आपका आपसे हो। अनादि काल से जिस मन से जुड़े रहने के संस्कार थे भीतर, आज उन संस्कारों को बसिराकर मन से स्वयं को भिन्न कर लीजिए। मन का मौन हो जाने दे। मन के पार जाकर ध्यान होगा। मन में क्या है, मन क्या कहता है, मन में अनादि से जो जो भरा है, किसी को महत्व नहीं देना। इसी प्रकार बुद्धि को व इंद्रियों को गौण कर दे। जब प्रत्येक पुद्गल गौण हो गया तो शेष रह गया निज तत्व। अब निज तत्व को केंद्र बिंदु बनाकर यही बने रहे। इसे स्वरूप स्थिति कहते हैं, इसे आत्मानुभव कहते हैं, इसे शुक्ल ध्यान कहते हैं। अखंड रूप से निज में निज को स्थित रखिए। संसार में कहाँ क्या हो रहा है कोई वास्ता नहीं, घर परिवार में कहाँ क्या हो रहा है कोई वास्ता नहीं। इस देह पर, औदारिक काया पर, कार्मन काया से निकलकर कौन सा कर्म कब किस रूप में आ रहा है कोई वास्ता नहीं। जीव स्वयं में स्थित रहे। सुनने में ये वाक्य सामान्य लगते हैं, परंतु जहां आत्मसात हो गए वहां यात्रा तीव्र गति से आगे बढ़ जाएगी। किसी आकार का चिंतन नहीं, निराकार में विश्राम।
यहाँ नमो अरहंतानम नहीं, अरहंतों की अवस्था को जीने का प्रयास करें। जिन्हें मन का मौन है वो ध्यानमय स्थिति में है, जहाँ मन विचारों से जुड़ा हुआ है वो ध्यान की शुष्क क्रिया में है। बंद आंखों से कर लो या खुली आंखों से कर लो, अब कर लो या घंटों बाद कर लो, वर्षों बाद कर लो, ये भव कर लो, आने वाले भव में कर लो, भव भव बात करो। जहाँ मन का मौन होगा वहीं क्षय की धारा चलेगी। मन में जो कुछ भी तुमने एकत्रित किया हुआ है उसके बाहर निकलने पर, जहां जीव स्वरूप को छोड़कर मन से जुड़े वहां क्षय की धारा नहीं चल सकती। क्षय करने के लिए बंद आंखों से हो, खुली आंखों से हो, देह की, धर्म की, किसी भी क्रिया में, किसी भी समय, एकांत में, भीड़ में, कभी भी मन का मौन अनिवार्य है। मन को गौन कर दो। स्वरूप में बने रहे। आपका वास्तव में किसी से कोई वास्ता नहीं, एक एक पुद्गल आपसे भिन्न है। स्वयं में स्थित रहकर स्वयं के प्रति अपने कर्तव्य की परिपालना करें। सारा व्यक्तित्व बसिरा कर मात्र अस्तित्व शेष रह जाए। सारा कर्ता भोक्ता भाव वसिरा कर मात्र ज्ञाता दृष्टा भाव शेष रह जाए। स्वयं
स्वरूप में स्थित होकर ही परम उत्कृष्ट समाधि को प्राप्त किया जाता है। और कह रहे, पूर्ण सत्य, पूर्ण सम्यक्त्व, आत्मस्थिरता, स्थिरता ही ध्यान है। आपका आप में स्थिर होना, ये 11वां तप है। ऐसी स्थिरता कि अपनी इस काया का भी भान छूटने लगे। काया भी कौन होने लगे, मात्र मात्र जीव तत्व जहां शेष हो वो अवस्था में आई।
और गहरे। कोई नया बंधन न बंधे और बंधे अखंड रूप से क्षय हो। भीतर विद्यमान सुख का अनुभव बढ़ता चला जाए। और गहरे। आप आत्मा है। स्वयं का होश रहे। स्वयं में, स्वयं के लिए स्वयं में। सारा व्यक्तित्व जहाँ छूटता है, जहाँ मात्र अस्तित्व रहता है, वो होश बना रहे। बंध का कारण मिटाकर क्षय के कारण को स्थान दे।
जिस समय जिस श्वासोश्वास में जी स्वयं में स्थित है, वो समय वो जी कर्म क्षय कर रहा है। जहाँ मन बुद्धि या देह मध्य आ गए, जहाँ स्वरूप स्थिति खंडित हो गई, वहाँ वो समय वो जीव कर्म का बंधन बांध लेता है। अनंत की यात्रा में और ये भव में अधिकांश समय जीव ने स्वयं को गौण कर स्वयं को मन बुद्धि व देह से जोड़ कर रखा, कारमन काया पर कर्म का विस्तार करता गया। इस बेहोशी भरी अवस्था में जितने कर्म बेहोशी में कारमन काया पर बांधे हैं, हे आत्मन, वही कर्म होश में कारमन काया से क्षय करने हैं। यहाँ हजारों लाखों कर्मों की चर्चा नहीं, हे आत्मन, असंख्य कर्म नहीं, यहाँ अनंत को क्षय का कार्य प्रारंभ किया है। एक एक समय के स्वभाव में स्थिरता में भेद में आत्म अवस्था में कर्म क्षय होते जाएंगे। शत प्रतिशत स्वयं के बने रहें, जीव के रहें, निराकार तत्व में निच में स्वरूप में स्वयं को स्थित रखें। ध्यान घटने दे। जहां मौन है वहां ध्यान है। मन के पार जाकर यदि सुख बढ़ रहा है तो आप स्वरूप में हैं।
शत प्रतिशत स्वयं में रहे। जहाँ जब आवश्यक लगे वहाँ तभी उपयोग लगा ले। ध्यान रहे मन को महत्व नहीं देना, बुद्धि या देह को, इन इंद्रियों को महत्व नहीं देना, न भूत में जाना, न भविष्य में जाना, वर्तमान में देहातीत अवस्था में रहिए। अपने आप का होश ही आपको मुक्त करेगा। यदि यहाँ आप प्रश्न करें, मैं कब मुक्त होऊंगा, मैं कैसे मुक्त होऊंगा, मुझे कौन मुक्त करेगा, तो हे आत्मन, आप स्वरूप में उतरकर स्वयं को स्वयं मुक्त करेंगे। जितनी स्वरूप स्थिति बनी रहेगी उतने सत्ता में पड़े कर्म क्षय होते चले जाएंगे। फासला मुक्ति से आपका कम होने लगेगा और जहां ये स्वरूप स्थिति की धारा एक घड़ी पार करेगी, आपका अनादि काल का मिथ्यात्व टूटेगा। जीव यात्रा में और आगे बढ़ेगा। इस पिंड को, मौजूद पिंड को, वर्तमान देह को, वर्तमान निवास स्थान को, इस 3.5 हाथ की काया को पर देखते हुए, जानते हुए, स्वीकारते हुए, इस पर निकलने वाले कर्मों को दृष्टा भाव से देखते देखते, निज में बने रहते रहते, जड़ काया का मोह क्षय करते हुए भीतर का वैराग्य बढ़ेगा। ये भव में नहीं, इस काल में नहीं। फिर चतुर्थ काल में ये जीव एक मुहूर्त तक स्वस्थिति की अखंड अवस्था को जीता हुआ उसमें विद्यमान केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्रकटाएगा। हे आत्मन, बस अपने आप के बने रहो। ये तप ऐसा नहीं जहां समय की कोई सीमा है, जिसे एक आसन पर बैठकर ही किया जाए। यहां कोई समय, कोई काल बाधक नहीं।
कोई क्रिया बाध्य नहीं, बस जड़ जीव का भेद रहे, स्वस्थिति बनी रहे। याद रखना भीतर का ये होश जागृत रखना, जहां पुद्गल गौण हो गए और जीव निज में उतर गया, वो समय क्षय का है। जहां पुद्गल हावी हुए और स्वस्थिति जहां छूटने लगी, वो समय बंधन का है। ये अवसर है पुद्गलातीत स्थिति को जीने का। पुद्गल के चिंतन छूटते ही एक वास्तविक विश्राम होगा। इस विश्राम में सुख का अनुभव होगा। आपका संकल्प, आपका लक्ष्य आप में बने रहने का रहे। आपकी श्रद्धा यही हो, निज में बने रहकर ही मेरा कार्य सिद्ध होगा। आपको यही धर्म मय अवस्था लगे। विभाव में किए गए तप में क्षय की वो तीव्रता नहीं जो स्वभाव की श्वासोश्वास में है। एक समय था जब मात्र विभाव था, फिर आत्मा शब्द के रूप में श्रवण किया। धीरे धीरे इस शब्द पर श्रद्धा होने लगी। मध्य मध्य कभी कभी स्मरण करने लगे कि मैं जीव तत्व हूँ। अब जीव का अनुभव प्रारंभ किया है। विभाव में कुछ समय स्वभाव का प्रारंभ हुआ है। हे आत्मन, अब स्वभाव बढ़ता जाए और विभाव
छूटता जाए। इसी प्रकार स्वयं में स्थित होकर अनंत जीव सिद्ध हुए हैं, ये सिद्धत्व का मार्ग है, ये क्षय का मार्ग है। हे आत्मन, उसी सिद्ध पद को प्राप्त करने के लिए सत्ता में पड़े वो अनंत क्षय करने के लिए उद्गलों के पार निच में बने रहिए।
स्वयं के लिए स्वयं में रहे। भीतर रस आने लगे, जो रस संसार में था, संसार की चर्चा चिंतन में था, वहां से रस छूटे और रस स्वस्थिति में आने लगे। ना ये समय, ना आने वाले समय में दिनों बाद, महीनों बाद, वर्षों बाद, दिन में, रात्रि में, किसी भी देह की क्रिया में कभी कोई ऐसा समय ना आए जहां विभाव ही विभाव हो। हे आत्मन, इतनी तैयारी करो कि मेरा स्वभाव बना रहे, धारा खंडित होगी, जहाँ धारा खंडित होगी वहीं उपयोग लगाना, स्वभाव को महत्व देना। जो सुख तुम्हें तुम में ठहर कर मिलेगा, वो सुख तुम्हें स्वर्ग के देव नहीं दे सकते। देवलोकों में वो सुख नहीं है, आत्मा में उतर कर ठहर कर जो सुख है वो सुख, उसकी तुलना देवलोकों में मिलने वाले पुण्य के उदय से मिलने वाले उस सुखाभास से भी नहीं की जा सकती। पुण्य जब चरम शिखर पर हो और वहां पुद्गल को सुख मिल रहा हो, वो सुख भी तुच्छ है,
आत्मिक सुख के आंखें, क्योंकि आत्मा में अनंत सुख है, अनंत जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, वो अनंत है आपके भीतर। जैसे जैसे पुद्गल की पकड़ छुटेगी, ये अनंत का अनुभव बढ़ता चला जाएगा। मुक्त होने के लिए पुद्गल की पकड़ छोड़नी ही होगी, पुद्गल के चिंतन व सिराने ही होंगे। हे आत्मन, इस मन का मौन करना ही होगा। देह की पकड़ छोड़कर निज में उतरना होगा, व्यक्तित्व व सिराना होगा। सारी व्यर्थ की चिंता चिंतन व सिराकर निज में उतरकर ही जीव तुम वितराग पथ पर आगे बढ़ोगे। मुक्त होने वाले का संसार से, संसारियों से, सगे संबंधियों से, किसी से कोई वास्ता नहीं। जिसे मुक्त होना है वो मात्र 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 उसके निज का बना रहे। परिस्थितियों को अनुकूल नहीं करना, प्रतिकूलता से भयभीत नहीं होना, बस स्वरूप में उतर जा। अनादि काल की यात्रा है, अनंत काल का मोह व मिथ्यात्व है, सत्ता में अनंत कर्म पड़े हैं। अनादि काल की संसार यात्रा है, अनंत काल का मोह व मिथ्यात्व है, सत्ता में अनंत कर्म पड़े हैं। हे आत्मन, इन्हें क्षय करने का कार्य प्रारंभ किया है। सत्ता में पड़े अनंत जो अनादि से है, उन्हें क्षय करने का कार्य प्रारंभ किया है। ये सरल कार्य नहीं है। जैसा जीवन जिए हो,
ऐसा जीवन जीकर ये कार्य सिद्ध नहीं होगा। होश में आकर देखें बेहोशी का जीवन कैसा था। स्वरूप को जाने बिना देह की धर्म की क्रियाओं में कैसे बंधन बांधे जा रहे थे। पुण्य पाप कर्म के उदय कैसे देह पर आ रहे थे। कैसे संसार में संबंध बना रहे थे। कैसे संसार में कर्ता भोक्ता बने हुए थे। विभाव स्थिति में जरा कल्पना करें कैसे समय समय कर्म काया पर कर्म बढ़ा रहे थे। विभाव स्थिति में कैसे समय समय कारमन काया पर कर्म बढ़ा रहे थे। अब होश कोई सामान्य कार्य नहीं लिया हाथ में, कोई सरल कार्य नहीं लिया हाथ में। पंचम काल में अनंत काल के मिथ्यात्व को क्षय करने का कार्य लिया है। मिथ्यात्वियों के मध्य रहकर अपने सम्यक्त्व को क्षयिक रूप देने का कार्य लिया है। कितने होश की, किस प्रकार के विवेक की आवश्यकता है। ये कठिन कार्य सरल होगा भेद विज्ञान से। अपना ही पिंड तुम्हें पराया लगे, प्रति समय पराया लगे। जब ये देह भोजन करे तब भी ये देह पराया लगे। जब जिह्वा पर स्वाद जाए तब भी ये देह पराया लगे। इस देह पर जब पुण्य पाप कर्म के उदय निकले तब भी ये देह पराया लगे। सोते उठते जगते चलते बैठते भीड़ में एकांत में हर समय तुम्हें ये देह पराया लगे। जिसे अपना पिंड पराया लगेगा उसकी वितराग यात्रा सरल होगी। दो कार्य है, एक मिथ्यात्व पर कार्य करना है, दूसरा मोह पर कार्य करना है। ये भव में मिथ्यात्व पर कार्य होगा और आगे बढ़ते बढ़ते मोह क्षय करते हुए आने वाले भव में मोह को पूर्ण रूप से क्षय कर देना। जिस सत्य के मार्ग पर चलना प्रारंभ किया है, हे आत्मन यहां रुकना नहीं, संसारियों की ओर देखना नहीं। संसारी मिथ्यात्व भरा जीवन जी रहे हैं। उन्हें महत्व नहीं देना, उनका अनुसरण नहीं करना, उनके मिथ्यात्व की अनुमोदना नहीं करनी, उनके मिथ्यात्व में रस नहीं लेना।
अपने भीतर, मिथ्यात्वियों के मध्य अपने सम्यक्त्व को सुरक्षित रखना है। आप आत्मा है, अनादि काल से यात्रा करने वाला जीवात्मा, चार गति में 84 लाख जीवायोनि में देह धारण करने वाला अजन्मा अमर आत्मा, जिसका कोई रंग रूप नहीं, जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई लिंग नहीं, जिसकी कोई जाति नहीं, वो आत्मा जिसे भूख नहीं, प्यास नहीं, जिस पर राग किया नहीं जाता, जिससे द्वेष किया नहीं जाता, वो आत्मा, आप आत्मा है। अनंत की यात्रा में विभाव स्थिति में स्वयं को देह मानने वाले आज उस सारे मिथ्यात्व को, विभाव को बसेरा कर सम्यक्त्व में आकर स्वयं को मात्र आत्मा जानिए। यही मेरा परिचय है, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मुझ में उतर कर मेरे गुण मैं स्वयं प्रकटाऊंगा। हे आत्मन, वास्तव में स्वयं से संकल्प करें, मैं स्वयं को अब मुक्त करूंगा। हर समय मेरे व मुक्ति के मध्य का ये फासला कम होगा, यहाँ ध्यान की ये क्रिया पूर्ण होगी, आगे देह जो भी क्रिया करे मैं स्वभाव में रहूंगा, मैं स्वयं में रहूंगा, मैं स्वयं के लिए स्वयं का होकर रहूंगा, मैं आत्मा हूं, अनंत में मेरा अपना अस्तित्व है। इस यात्रा में कोई मेरा सगा नहीं और मेरा किसी के प्रति कोई कर्तव्य नहीं, एक पुद्गल पर भी मेरा अधिकार नहीं और मुझ जीव को किसी एक पुद्गल की भी आवश्यकता नहीं। मैं किसी एक पुद्गल का भी भोक्ता नहीं, पुद्गलों के मध्य मैं आत्मा हूं, अनंत आत्माओं के मध्य मेरा अपना अस्तित्व है। मिथ्यात्व छूटता चला जाए, सम्यक्त्व पुष्ट हो, जीव यात्रा में आगे बढ़े। हे आत्मन, स्वयं को वितराग पथ पर आगे बढ़ा, संसार में रस नहीं लेना, याद रखना, संसार में रस नहीं लेना, पुद्गल का चिंतन नहीं करना, तुम्हें संसारी से सिद्ध होना है। ये कार्य प्रत्येक जीव उसके निज के लिए स्वयं करेगा। हे आत्मन, वितराग पथ पर निर्बाध रूप से आगे बढ़िए, फिर निर्णय आपका, श्वास से आपकी, अधिकार आपका, शेष जैसे आप, जीव को सुख।